पौलुस का मन परिवर्तन। संत पौलुस के मन परिवर्तन का विवरण प्रेरित चरित एवं संत पौलुस के ही पत्रों में हमें मिलता है। साउल दमिश्क की ओर जा रहे थे ताकि दमिश्क में ईसा मसीह के अनुसरण करने वाले सब लोगों को ढूंढ निकाले और उन्हें मार डाले। रास्ते में अचानक स्वर्ग से एक प्रकाश उन पर पड़ा और वो अपने सवारी से नीचे गिर गया। जहां वो पड़े थे वहीं उन्हें एक आवाज सुनाई दी, साउल तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? सवाल ये नहीं था कि तुम मेरे अनुयायियों को क्यों तंग कर रहे हो, बल्कि तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मसीह साउल के जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उनको एक सही रास्ते पर ले आता है। मसीह की कलीसिया को या कलीसिया के सदस्यों को तंग करना, परेशान करना, उसका मतलब खुद मसीह को परेशान करना है। मसीह कलीसिया से अलग नहीं है। मसीह से प्यार करने का मतलब है कलीसिया से प्यार करना। कलीसिया से प्यार करने का मतलब है मसीह से प्यार करना। दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग है। पौलुस का मन परिवर्तन, जिसका विवरण हम पवित्र ग्रंथों में देखते हैं, ये एक चमत्कारी, एक अमानुषी घटना है। पौलुस अपने मन परिवर्तन के पहले साउल हुआ करता था, ईसाइयों को सताने वाला, खुद ईसा मसीह के सुसमाचार के प्रचार करने वाला प्रचारक बन जाता है। संत पौलुस का मन परिवर्तन सिर्फ यहूदी धर्म से निकलकर ईसाई धर्म से जुड़ जाने का नहीं था, बल्कि ईसा मसीह के प्रचारक बनने का, ईसा मसीह के बारे में गैर ईसाइयों को बताने वाले बन जाने का भी एक दायित्व था। अगर साउल संत पौलुस के रूप में मन परिवर्तित नहीं हुए होते, अगर ईसा मसीह उनके जीवन में दखलंदाजी नहीं दिया होता, तो शायद कलीसिया का रूप भाव कुछ और रहा होता। और जिस कलीसिया को हम दुनिया के कोने कोने में देखते हैं आज, शायद फिलिस्तीन और उसके इर्द गिर्द राज्यों में सीमित रह गए होते। संत पौलुस मिशनरियों, सुसमाचार प्रचारकों, लेखकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु कभी न कभी दस्तखत देता है। उसे पहचानना, उस प्रभु की योजना को समझना और उसके तहत अपने जीवन को टालना, ये हमारा कर्तव्य है। आज संत पौलुस से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में जब दखलंदाजी करे तो हम उसे खुले दिल से स्वीकार कर सकें।